नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्ले स्टोर के अंदर हेल्प एंड फीडबैक वाला ऑप्शन क्यों दिया जाता है और उसे यूज करने से क्या बेनिफिट है। तो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हो कि प्ले स्टोर के अंदर हेल्प एंड फीडबैक वाला ऑप्शन क्यों दिया जाता है और उसे यूज करने से क्या बेनिफिट है, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज, सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। और गाइज, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये ऑप्शन आपको कहां पर दिया जाता है हेल्प एंड फीडबैक, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करेंगे प्ले स्टोर की। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, उसके बाद सबसे नीचे के साइड में देखते हो हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, यहां पर हम हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद देखते हो यहां पर पॉपुलर हेल्प सोर्सेज का मिलेगा। तो यहां पर पॉपुलर हेल्प सोर्सेज देख सकते हो और उसके बाद यहां पर सर्च हेल्प का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो हेल्प एंड फीडबैक वाला ऑप्शन है ये क्यों दिया जाता है, उसे कैसे यूज करते हैं। तो ये जो ऑप्शन होता है ये आपको हेल्प करने के लिए होता है, मतलब आप जो है इस ऑप्शन के जरिए यहां पर अपने गूगल प्ले स्टोर से कोई भी हेल्प ले सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम की जो है हेल्प यहां से आप ले सकते हो और कोई भी फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी यहां पर आप देख सकते हो। जो भी सेंड करना चाहते हो अपना फीडबैक वो यहां पर सेंड कर सकते हो। तो सबसे ऊपर की साइड में देखते हो यहां पर सर्च हेल्प का है, अगर आपको कोई भी हेल्प जो यहां पर सर्च करनी है कि किस तरह से आप हेल्प लेना चाहते हो वो यहां पर अगर आपको सर्च करना है तो सर्च कर सकते हो। इसके अलावा गाइस देखते हो यहाँ पर पॉपुलर हेल्प रिसोर्सेज का ऑप्शन है, मतलब गाइस यहाँ पर जो भी सबसे पॉपुलर यहाँ पर हेल्प होती है, मतलब जो ज़्यादा लोग सर्च करते हैं इस हेल्प को, वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद नीचे की साइड में देखते हो यहाँ पर नीड मोर हेल्प का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आस्क द हेल्प कम्युनिटी, यहाँ से कॉन्टैक्ट करके भी आप जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा देखते हो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप जो प्ले स्टोर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से एक कॉन्टैक्ट करके आपको बताता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर आस्क द हेल्प कम्युनिटी पर हम करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर गाइस आपको जो भी प्रॉब्लम है वो इस तरह से यहां पर आपको जो है क्वेश्चन आपका जो है यहां पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको एक्सप्लेन कर लेना है किस तरह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस तरह से आप जो है अपनी प्रॉब्लम को यहां पर जो सबमिट कर सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप पर आप जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम है इस तरह से यहां पर ऐड करके उसे सबमिट कर सकते हो। तो यहां पर क्या होगा कि जो भी गूगल प्ले स्टोर है उसे यहां पर आपको जो आपका प्रॉब्लम देखेगा, उसके बाद यहां पर आपको जो 24 आवर के अंदर रिप्लाई कर देगा और उसके बाद यहां से हम इसे बैक कर देंगे। बैक करने के बाद यहां पर देखते हो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होगा, तो यहां से भी अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो यहां से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सेम यहां पर सेम स्टेप है, उसी तरह से यहां से भी अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो यहां से आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहां पर गाइस नीचे की साइड में हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद अगर आप जो यहां पर कोई भी फीडबैक देना चाहते हो तो सेंड फीडबैक पर क्लिक करके आप जो फीडबैक दे सकते हो। इसके अलावा देखते हो यहां पर कोई भी अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है तो यहां पर डिलीट योर अकाउंट, अगर अकाउंट डिलीट करना है इस तरह से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप जो उसके बारे में जानना चाहते हो तो पूरा आर्टिकल यहां पर जो आप उसका पढ़ सकते हो। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि प्ले स्टोर के अंदर जो हेल्प एंड फीडबैक वाला ऑप्शन क्यों दिया जाता है और उसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।